गाइज वेलकम टू स्टार्क टेक्नोलॉजी। तो आज हम लोग साइंस चैलेंज में CBSE साइंस चैलेंज में कैसे पार्टिसिपेट करना है वो जानने वाले हैं दीक्षा ऐप से। तो सिंपली आपको मैं बता दूं, आपको इस लिंक पर आना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि CBSE साइंस चैलेंज लिखा हुआ है। ये दो लिंक है, ये दो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक इंग्लिश के लिए है और एक हिंदी के लिए है। और आप डिसाइडेड कर लीजिए कि आपको इंग्लिश में पार्टिसिपेट करना है या फिर हिंदी में। तो मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश में पार्टिसिपेट करके दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर जो बेसिक डिटेल है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी फ़ी नहीं लगने वाला है। और यहाँ पर एक और ऑप्शन है, यहाँ पर CBSE रजिस्ट्रेशन ID से भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास CBSE रजिस्ट्रेशन ID नहीं है तो आप सिंपली यहाँ दीक्षा पोर्टल से यहाँ पर ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि दीक्षा ऐप आपको इंस्टॉल होना चाहिए और आप ऐप को अपडेट रखें। सिंपली अब आपको क्या करना है, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इस वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सिंपली आपको आप क्या करना है, ओपन पर क्लिक कर देना है। और इस PDF का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और सिंपली अब क्या होगा, ये दो ऑप्शन आपसे पूछेगा। आप चाहे तो गूगल क्रोम में ओपन कर सकते हैं या फिर दीक्षा में। तो आपको दीक्षा ऐप सेलेक्ट करना है, ये बहुत ही बेस्ट होगा आपके लिए। यहाँ पर ऑलवेज में क्लिक कर देना है, उसके बाद सीधा ये आपको दीक्षा ऐप में रीडायरेक्ट करेगा। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। तो यहाँ पर सिंपली अब ये थिंग्स को गेट लोड कर रहा है। अब यहाँ पर हमें सिंपली ज्वाइन कोर्स पे क्लिक कर देना है। ज्वाइन कोर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन विद दीक्षा लिखा हुआ है, यहाँ पर साइनिंग विद गूगल पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये साइनिंग विद गूगल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर रीडायरेक्ट ले लेता है ऑटोमेटिकली आपका ईमेल आईडी जो साइनअप है उसके साथ। फिर आपको सिंपली यहाँ पर ज्वाइन कोर्स पे क्लिक कर देना है। ज्वाइन कोर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे में लिखा आ गया कि ज्वाइन कोर्स, यू हैव ज्वाइन दी कोर्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन मॉड्यूल है और एक CBSE साइंस चैलेंज है। तो आपको स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करना है। और ये वाला जो है यहाँ पर दिख रहा है कि योर प्रोग्रेस जो अभी की 0% है, आपको 100% करना है। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका सर्टिफिकेट नेम है, और सर्टिफिकेट पर जो नेम आएगा ये आप देख सकते हैं कि जो मेरा नाम लिखा हुआ, आप यहाँ से क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हमें बैक कर लेना है। और अभी हम लोग जो करने वाले हैं, यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है, स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक कर देना। और यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टार्ट लर्निंग का नीचे हम ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिंपली प्ले पे क्लिक कर देना है। प्ले पे क्लिक करने के बाद अब क्या होगा कि अब हम लोग उस थिंग्स और कंटेंट पर भी हम लोग जाने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये चैलेंज यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, ये हमारा वेलकम हो रहा है यहाँ पर। फिर हमें इसे आगे करना है, फिर हमें इसे एरो के साथ आगे करते हुए जाना है। फिर यहाँ पर कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फिर ये देखिए हमारा इंट्रोडक्शन मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, जिसे हम सिंपली अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब हमें जो दूसरा मॉड्यूल है जो कि इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, अब हम लोग उस पे आने वाले हैं जो कि है CBSE साइंस चैलेंज। इस पे हमें प्ले पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद सिंपली ये लोडिंग लेने वाला है हमारा कंटेंट को। फिर यहाँ पर CBSE साइंस चैलेंज 2021-22 लिखा हुआ आ गया है। अब हमें यहाँ पर बस थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फिर से यही वाला इंटरफेस आ गया। फिर हमें यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लेना है। फिर यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लेना है। फिर यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 30 मिनट दिया हुआ है, 40 क्वेश्चन अलॉटेड है यहाँ पर 40 मार्क्स का, जो कि 1 मार्क्स का सारा क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पर सिंपली यहाँ पर कर दे जाना है। फिर यहाँ पर अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी है, जो कि या स्कूल आपको रजिस्ट्रेशन आईडी देगा CBSE की तरफ से, जो आता है वो जहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है उससे वो हमें रजिस्ट्रेशन आईडी मिलता है, तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी डाल सकते। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, क्विज को स्टार्ट कर देना। अब यहाँ पर क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे और आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है और इसके आंसर्स को कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए मुझे लगा कि ये मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला है। फिर हमें मुझको लगा ये है, इसका आंसर ये होगा सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इस पर आपको बस क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद इसी तरह ढेर सारे क्वेश्चन आपके आते जाएंगे और आपको आंसर्स में क्लिक करना है। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, तो हमें इसे 30 मिनट के अंदर 40 क्वेश्चन उसे कम्प्लीट करना। तो मैं सबसे पहले सारे क्वेश्चन को कम्प्लीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने पूरे क्विज़ को कंप्लीट कर लिया, और यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो कि स्कोर है वो 10 है। ऐसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको यहाँ पर बस दिखाया है, क्योंकि 41 क्वेश्चन है यहाँ पर दिखा रहा है, और देखिए 41 में से 10 आया, लेकिन उसमें तो 40 क्वेश्चन दिखा रहा था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से एग्जिट पर क्लिक कर देना है। एग्जिट पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा रेट कंटेंट का, यहाँ पर जरूरत नहीं है इसे कट करना। हमें यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉपअप मैसेज आ गया कि यू हैव सक्सेसफुली कम्प्लीटेड दिस कोर्स। फिर आपको यहाँ पर कट करना है और बैक करना है। तो हम लोग अभी सिंपली यहाँ पर बैक कर लेते हैं इसे। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यू हैव सक्सेसफुली कम्प्लीटेड दिस कोर्स। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा किस तरह यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है और किस तरह से आपको कोर्स को कम्प्लीट करना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हमें सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करें, मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।